हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में तो चलिए फटाफट से जुड़ जाइए सभी साथी साथियों देखो क्लास का समय हो चला है भाई फटाफट से जुड़ जाइए सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और क्लास में जितने भी साथी नए हैं भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना जुड़ जाइए फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइए चेक कर लो वॉइस वगैरह आ रही है कि नहीं वॉइस वगैरह आ रही है ना एक बार चेक कर लीजिए सभी साथी और फटाफट से जुड़ जाइए भाई क्लास का समय हो चला है साथियों जुड़ जाइए जल्दी जल्दी सभी साथी जुड़ जाइए नौ बज चुका है और नौ बजे का समय होता है विज्ञान के क्लास का जैसा कि आप सभी साथियों को पता है नौ बजे का समय जनरल साइंस के क्लास का समय होता है ठीक है वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर आ रही है सही से चेक कर लो एक बार सभी साथी फटाफट से जुड़ जाइए बहुत ही प्यारा क्लास कराएंगे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन कराएंगे आपको इस क्लास में मोस्ट वेलकम सभी साथियों को पूनम बोध राम अवतार एम एम रेगर एस के मंडला डिस्ट्रिक्ट सतीश चौधरी दैनिश जहन अलोन इन वर्ल्ड वॉयस बोलबम कुमार आर्मी बॉय सतीश चौधरी चंद्रपाल सिंह मुकेश कुमार नायक एस के मंडला डिस्ट्रिक्ट विपिन कुमार राम अवतार अंकि मीना सत्येंद्र रुचिता सादिया अफ्ताब धीरज कुमार कश्यप गुड इवनिंग रुचिता विजय यादव अजय विश्वकर्मा जी बिहान सैनी कुलदीप चौधरी ठीक है बिल्कुल डेनिस जेहान जी राम अवतार सोना यादव अभी साउंड बिल्कुल ठीक है ना सोना यादव जी चलिए जुड़ जाइए आप लोग फटाफट से अपना अपना प्यार दिखा दीजिए क्लास पे फिर हम लोग शुरू करते हैं साथियों ठीक है बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में ओके बबलू यादव विनीत यादव बसंत एम एम रेगर चले तो साथियों शुरू करते हैं देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है और ये रहा स्क्रीन पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आपको बतानी है भाई कमेंट करके सभी साथी कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे बताइए हेलोजन को किस समूह में रखा गया है साथियों पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ध्यान दीजिए चलिए सभी साथी देखो भाई सभी साथी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हेलोजन को किस समूह में रखा गया है तो सत्रहवे समूह में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेक्ट आएगा आपका आ गया आपका आ गया समूह में रखा गया भाई को तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ गया साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है याद रखना 17th. ठीक है सत्रहवे समूह में रखा गया है हेलोजन तत्वों को तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया यहाँ याद रखना आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों मैलिक पाई जाती है भाई कमेंट करिए सभी साथी चलो मैलिक एसिड किस में पाया जाती है अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर दो का आंसर क्या जाएगा सभी साथी कमेंट करिए ठीक है रेगर जी बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना क्या आंसर आएगा <coughs> बिल्कुल अजीत कुमार जी धन्यवाद धन्यवाद ठीक है देखो मैलिक एसिड किस में पाई जाती है एप्पल बता रहे हो ना साथियों एप्पल्स में तो बिल्कुल करेक्ट है सेब में एप्पल्स यहाँ आपका करेक्ट आ गया सभी साथी याद रखना एप्पल्स में यानी सेब में पाई जाती है भाई मैलिक एसिड ऑप्शन तो नंबर ए यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बहुत अच्छी तैयारी काफी साथियों का करेक्ट है सभी याद रखना ठीक है बहुत अच्छी तैयारी पायरो प्यार चांद बाबू जी क्या बोल रहे हो यार आपकी क्वेश्चन समझ में नहीं आई भले अच्छे से बोलो देखो मेरिंगा ओलीफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है सभी साथियों को आंसर करके बतानी है बताइए मोरिंगा ओलीफेरा किसका साइंटिफिक नेम है किसका वैज्ञानिक नाम है साथियों मोरिंगा ओलीफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? ध्यान से सभी साथी कमेंट कर दीजिए क्या आंसर आ जाएगा ठीक है अंकि मीना जी कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर से सब कुछ क्लियर है बिल्कुल पानी की तरह चल रही है देखो मोरिंगा ओलीफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है किस पौधे का तो ड्रमस्टिका याद रखना ड्रमस्टिक याद रखना साथियों ड्रम स्टिक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा देखो मोरिंगा किसका ऑप्शन करेक्ट आ गया, तो गया यहाँ बहुत अच्छी तैयारी है ड्रम स्टिक पौधे का ये एक पौधा है ड्रम स्टिक याद आप सभी साथियों को रखनी है ध्यान से देखो ड्रम स्टिक करेक्ट आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान दीजिए साथियों कोशिकाओं के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है बताना कोशिकाएं, कोशिकाओं का अध्ययन का विज्ञान की किस शाखा में करते हैं इस क्वेश्चन है। का करेक्ट आंसर, क्या, आंसर का correct answer क्या जाएगा ठीक है बिल्कुल सभी साथी ध्यान देना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा सभी साथी फटाफट से देखो कोशिकाओं के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपको यहाँ याद रखनी है साइटोलॉजी साइटोलॉजी अगर बता रहे हो ना साथियों ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट आएगा कोशिकाओं का अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है तो साइटोलॉजी के अंतर्गत सभी साथी जरूर यहाँ याद रखना साइटोलॉजी बिल्कुल करेक्ट आ गया बहुत अच्छी तैयारी वेरी गुड साथियों वेरी नाइस साइटोलॉजी करेक्ट है जरूर आपको यहाँ याद रखनी है आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है ध्यान से देखो सभी साथी भाई बताना कौन सा रंग सबसे ज्यादा प्रचलित होता है बताइए माफ करना बिचलित होता है यार प्रचलित बोल रहे हैं देखो कौन सा रंग सबसे ज्यादा बिचलित होता है ध्यान से देखो अब क्या आंसर आएगा फटाफट से कमेंट करिए देखो कौन सा रंग सबसे ज्यादा बिचलित होता है क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए अब राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सोना यादव हरिराम पांडे पूनम बोध जिद्दी आसिक विनीता या विनीत दिनेश विजय रचना देखो वायलेट करेक्ट आएगा साथियों बेगनी। बेगनी कौन सा रंग सबसे तो आएगा ना, बेगनी। याद आप यहाँ कौन सा रंग सबसे ज्यादा विचलित होती है तो बिल्कुल बेगनी रंग सभी साथी याद रखेंगे पंकज राज गुप्ता जी क्यों नहीं जरूर पंखोड़ी सिंह अनूप काफी साथियों का राइट आंसर आ गया भाई वायलेट करेक्ट है आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इनमें से कौन सा पौधों के लिए एक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है बताना कौन इन सा इनमें से कौन सा पौधों के, के, के लिए एक मैक्रोन्यूट्रिय नहीं है अति आवश्यक नहीं है ध्यान देना क्या आंसर आएगा पंकज प्रजापति हिम्मत वाली गर्ल्स ठीक है बात खूब ध्यान देना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा भाई क्लोरीन देखो पौधों के विकास के लिए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम इन सभी की तो खास तौर पर आवश्यकता होती है लेकिन क्लोरीन नहीं ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा क्लोरीन बहुत खूब वेरी गुड साथियों क्लोरीन यहाँ करेक्ट आ गया भले क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है ये अलग बात है देखो अगला क्वेश्चन साथियों ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है बताइए चलो ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर किया जाएगा सभी साथी ध्यान देना भाई ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है साथियों आपको आंसर करनी है सभी साथी कमेंट करिए ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है तो यार सिंपल सी बात है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या होता है आठ इसका आणविक द्रव्यमान इसका दो गुना होता है कितना सोलह बिल्कुल करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखनी है ठीक है जरूर याद रखना ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है तो साथियों 16 याद रखिए आप यहाँ 16 बिल्कुल करेक्ट आ गया ना बिल्कुल राकेश कुमार भारती जी विजय निक्की कुमारी जय मा शारदा विजय भावना बिल्कुल सीमा सागर काफी साथों का करेक्ट है पंकज सरोज सोना गुप्ता स्मृति कुमारी रॉक उमेश कुमार जी बिल्कुल मनीषा आगे देखो देखो किस स्रोत से एस्परिन का उत्पाद होता है एस्प्रीन जो कि एक मेडिसिन होती है इसका उत्पादन कहाँ से होता है भाई आपको बतानी है साथियों चलिए टूट पड़िए एस्पिरिन का उत्पादन होता है सभी साथी ध्यान देना फटाफट से कमेंट करेंगे सभी साथी बताइए किस स्रोत से एस्पिरिन का उत्पादन होता है क्वेश्चन नंबर एट का आंसर क्या आ जाएगा फटाफट कमेंट करिए ठीक है रोशनी सिंह जी साइंस तो दो तीन बार कंप्लीट करा चुके हैं देखो क्या आंसर आएगा किस स्रोत से एस्पिरिन का उत्पादन होता है तो बिल्लो बार्क से, से याद रखना यानी बिल्लो की छाल से बिल्लो पौधों की छाल से बिलो पौधों की छाल से बिल्कुल ऑप्शन नंबर करेक्ट आ गया भाई किस स्रोत से एस्पिरिन का उत्पादन होता है तो बिल्लो बार्क यानी बिल्लो पौधे की छाल से बिल्लो की छाल याद रखना सभी बिल्लो की छाल से है ना फनी टाइप का है थोड़ा सभी याद रखना ठीक है पंकज राज गुप्ता जी मेरा नाम है सुभाष राज देखो किस स्रोत से स्प्रिंट का उत्पादन होता है तो बिल्लो बार्क यानी बिल्लो की छाल से याद रखनी है भाई सभी साथियों को अच्छा साथियों पांच ई बुक देखो पांच ई बुक मैंने आप लोगों के लिए बनवाया था और उनका ई बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो लिखा हुआ है हमारी ई बुक ठीक है पांच ई बुक एक ही साथ डाउनलोड हो जाएगी मैथ रीजनिंग करेंट अफेयर्स जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस का पांचों बुक तुरंत अभी डाउनलोड हो जाएगी जो एस रेलवे पीसीएस पटवारी या कोई भी स्टेट लेवल का पुलिस का एग्जाम हो यूपी लेखपाल क्यों ना, ना हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है तो डाउनलोड कर लेना छोटा सा पेमेंट केवल उसके लिए आपको करना पड़ता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है पांचों ई बुक अभी तुरंत आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी कर लेना सभी साथ देखो किस स्रोत से स्प्रिंट का उत्पादन होता है तो बिल्लो की छाल से आगे देखो साबुन के निर्माण में निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है

को याद रखनी है वनस्पति तेल का भाई ठीक है बहुत अच्छी तैयारी वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से देखो देखो थोड़ा बासिल पदार्थ युक्त एक हार्ड कोयले को क्या कहा जाता है ध्यान देना क्वेश्चन नंबर दस का आंसर क्या जाएगा साथियों कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट से थोड़ा बाप देखो थोड़ा बाप युक्त एक हार्ड कोयले को क्या कहा जाता है चुट क्यों में कमेंट करिए सभी साथी ध्यान देना देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा एंथरेसाइट जो सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला होता है साथियों यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया यहाँ एंथ्रेसाइट

सभी साथी ध्यान देना क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए वेरी नाइस साथियों ऑप्शन नंबर का आविष्कार किसने किया था तो ब्रेंडन इच ने याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा ठीक है भावना तिवारी जी ये क्लास तो डेली रात में नौ बजे लगती है सबसे पहली क्लास सवेरे आठ बजे कराते हैं करेंट अफेयर्स का ठीक है आठ बजे पहली क्लास कराते हैं दूसरी क्लास दस बजे कराते हैं तीसरी क्लास दोपहर में डेढ़ बजे कराते हैं चौथी क्लास में साढ़े छह बजे कराते हैं और ये पांचवी क्लास जो रात में डेली नौ बजे कराते हैं ठीक है देखो केंचवाक किस फाइलम से संबंधित है बताना साथियों केचवाक किस संघ का प्राणी है किस फाइलम से संबंधित है भाई ध्यान से क्वेश्चन नंबर बारह का आंसर किया जाएगा ध्यान दीजिए सभी राज तिवारी पिंटू कुमार बिल्कुल शुभेंदर सिंह जी पिंकी पांडे बिक्की यादव बिल्कुल करेक्ट आ गया एनेलिडा एन एलिडा करेक्ट है याद रखना एनएलिडा यहाँ आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी साथियों जो केंचवे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है उनको पाला जाता है बर्मी कल्चर के अंतर्गत ठीक है और देखो केंचवा कौन से फाइलम से संबंधित है तो एने लीडा केचवा जो कि नेत्रहीन होता है इसमें कोई भी आंख नहीं होता है आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो पानी के अणुओं के बीच मौजूद बॉन्ड क्या होता है कैसा होता है क्वेश्चन नंबर बताइए पानी के अणुओं के बीच का मौजूदा बंड होता है भाई सभी साथी टूट क्वेश्चनों पे कमेंट करेंगे चुटकियों में आंसर आना चाहिए बताइए साथियों ध्यान देना पानियों के अणुओं के बीच मौजूद बंड कैसा होता है तो हाइड्रोजन बंद याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड यहां आपका करेक्ट आएगा हाइड्रोजन बंधन बिल्कुल करेक्ट आ गया साथियों ऑप्शन नंबर सी बहुत अच्छी तैयारी वेरी गुड ओमनाथ कुमार महेंद्र कुशवाहा विपिन कुमार प्रिया करेक्ट आ गया साथियों हाइड्रोजन बंधन आगे देखो ब्लूटूथ जिसका प्रयोग करते हैं के रूप में तो बताना ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था चलो क्वेश्चन नंबर फोर आंसर क्या आएगा देखो अगर कोई भी साथी ऐसे हैं जो क्लास में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ठीक है सभी साथी जितने साथी नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए देखो ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था तो याद आपको रखनी है यहाँ देखो जाप हार्टसेन बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी जाप हार्टसेन ने जरूर आपको याद रखनी है जाप हार्टसेन करेक्ट आ गया वेरी नाइस साथियों ठीक है थीके? बहुत खूब बिल्कुल प्रशांत जी जयप्रकाश इस बैक पीयूष सैनी करेक्ट आ गया जाप हार्टसेन जिन्होंने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको यहाँ याद रखनी है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान देना निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है यार ये या आपके द्वारा ही बनाया गया है आप ही से मिलकर बना है मैं इसको केवल ऑपरेट करता हूँ बाकी ये चैनल तो आप ही लोगों का है अब आप लोग इसको कैसे आगे बढ़ाओगे ये आप पे डिपेंड करता है ठीक है बार बार मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है आप लोग सहयोग करिए साथियों सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इतना दूर तक जो जितना भी लेकर आप लोग आए हो ये सभी आप ही लोगों की बदौलत है तो आगे भी आप ही लोग करोगे इसको देखना क्या आंसर आएगा निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है तो ध्यान देना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर पंद्रह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखना इफेक्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया साथियों इफेक्ट आपका करेक्ट आ गया साथियों यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव यहाँ राइट आंसर है बहुत अच्छी तैयारी साथियों अद्भुत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव यहाँ आपका राइट आ गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान दीजिए साथियों कार्नोलाइट किस एस अथवा किसका खनिज है बताइए कार्नोलाइट एस किया किसका खनिज है यह आपको बतानी है भाई फटाफट से कमेंट करिए ऐसे चुटकियों में आंसर आना चाहिए बताना कार्नोलाइट किसका एस अथवा किसका खनिज है जल जल्दी बहुत अच्छी तैयारी देखना कार्नोलाइट किसका है खनिज है तो यूरेनियम का यूरेनियम यहां आपका करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम को निकाला जाता है कार्नोलाइट से याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया कोई बात नहीं निशांत यादव जी यूरेनियम करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखना भाई यूरेनियम एके शर्मा सुरेश निराला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान देना शिलालेख के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है साथियों बताइए शिलालेखों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते फटाफट से आंसर करेंगे सभी साथी बताइए ध्यान से देखिए शिला लेखों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है भाई क्या आंसर आएगा साथियों बिल्कुल एपीग्राफी बता रहे हो ना आप सभी करेक्ट आंसर है एपीग्राफी देखो शिला लेख का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है तो एपीग्राफी के रूप में एपीग्राफी के अंतर्गत शिला लेखों का अध्ययन किया जाता है साथियों nice. ठीक है वेरी नाइस बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है एपीग्राफी राइट आ गया बहुत खूब वेरी नाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान दीजिए देखो टेट्रिस एक प्रकार का गेम है जिसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था यह आपको बतानी है 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 भाई ध्यान दीजिए सभी साथी टेट्रिस क्या है? तो एक प्रकार का वीडियो गेम है। इसका आविष्कार किसने किया था यह आपको बतानी है कमेंट करिए सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर किया जाएगा चलिए सभी साथी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या आ जाएगा भाई सभी साथी कमेंट करिए ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो ना अलेक्सी देखो अलेक्सी पजी देखो अलेक्सी पजिंतनो याद रखना अलेक्सी पजिटनो ने टेट्रिस का आविष्कार किया है जो कि एक वीडियो गेम है टेट्रिस एक वीडियो गेम है याद रखना सभी साथी ठीक है वेरी गुड ऑप्शन नंबर सी यहां आपका करेक्ट आ गया बहुत ही अच्छी तैयारी साथियों वेरी गुड यहां आपको याद रखनी है आगे देखते हैं अब अगले क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए तो साथियों बताना देखो सहिष्णुता की कमी से संबंधित हार्मोन कौन सा है बताना सहिष्णुता की कमी किस हार्मोन से होता है ध्यान देना किस हार्मोन की कमी से सहिष्णुता होती है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आंसर जाएगा से कमेंट करेंगे सभी साथी राइट फॉर दिस क्वेश्चन भाई चले, कमेंट कर दीजिए साथियों राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा बहुत अच्छी तैयारी देखना अब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या है तो सभी साथी यहाँ याद रखना भाई एथिलीन करेक्ट आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है एथिलीन जरूर आपको याद रखनी है, है? तो है।, है, है। अभिषेक कुमार जी यार माइंड माइंड में तो है लेकिन मुंह से उच्चारण नहीं हो रही है ठीक है बिल्कुल अभिषेक कुमार जी बता देंगे आपको चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या देखना मनुष्य परिस्थिति तंत्र के किस वर्ग से संबंधित है

बिल्कुल सर्वहारी यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए क्या बात है साथियों यार बहुत अच्छी तैयारी वेरी गुड याद रखना है सभी को सर्वहारी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया आगे देखिए देखो वहां पर जो फेरोमोन का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं वहां क्या है ध्यान देर यहाँ आना ही चाहिए ठीक है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा बहुत खूब राजेश कुमार जी सुभाष राज पूजा यादव नंदनी यादव अपना मस्ती विश्वकर्मा गोलू यादव देखो क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए फटाफट -फड़ से आपको आंसर करनी है साथियों तो टूट पड़ी है यार सभी ध्यान देना बहुत देखना पशु जो फेरोमोन्स का उपयोग करने के लिए जाने जाते हुए हैं वह यानी चींटिया याद रखना चींटी आपका करेक्ट आएगा जो फेरोमोन्स का उपयोग करती हैं भाई बिल्कुल चींटी करेक्ट आ गया यहाँ यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है बहुत अच्छी तैयारी काफी साथियों का बिल्कुल करेक्ट आ गया सभी साथी यहां जरूर याद रखेंगे अद्भुत तैयारी साथियों बहुत अच्छी तैयारी सभी साथियों को याद रखनी है ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सभी साथी ध्यान देना ठीक है साथियों बैटरी का आविष्कार किसने किया था फटाफट कमेंट करना भाई चलिए बैटरी का आविष्कार किसने किया था इस क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा फटाफट से आपको आंसर करनी है सभी साथी ध्यान दीजिए बैटरी का आविष्कार किसने किया था सभी का आंसर यहाँ आना ही चाहिए फटाफट फड़ से आपको आंसर करनी है सभी साथी ध्यान देना भाई बहुत अच्छी तैयारी देखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा बैटरी का आविष्कार किया था अलेसांद्रो वोल्टा ने वोल्टा आपका करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर बी सभी साथियों को याद रखनी है भाई बैटरी का आविष्कार किसने किया था तो वोल्टा ने वोल्टा आपका करेक्ट आ गया यहाँ सभी साथियों को याद रखनी है अद्भुत तैयारी साथियों बहुत अच्छी तैयारी बिल्कुल वोल्टा आपका करेक्ट आ गया यहाँ सभी साथियों को याद रखनी है वेरी गुड साथियों बहुत अच्छी तैयारी ठीक है करेक्ट आ गया बिल्कुल वोल्ट आने। आगे देखो भाई रूटाइल किसका एक अयस्क अस्कथवा खनिज है बताना रूटाइल किसका अयस्क रूटाइल से क्या निकाला जाता है रूटाइल किसका अयस्क है ध्यान से सभी का आंसर यहाँ आना ही चाहिए फटाफट से आपको आंसर करनी है तो सभी साथी कमेंट कर दीजिए रूटाइल किसका अयस्क कथवा खनिज है फटाफट से आंसर करनी है सभी साथियों को बताइए तो देखो सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना साथियों तो याद रखना रूटाइल जो है टाइटेनियम का एस साथियों टाइटेनियम जिसको भविष्य का धातु कहा जाता है सभी साथी ध्यान देना ठीक है जरूर आपको याद रखनी है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा भाई याद रखना रूटाइल किसका अयस्क अथवा खनिज है तो बिल्कुल टाइटेनियम का ठीक है बहुत खूब वेरी नाइस काफी साथियों का बिल्कुल करेक्ट आ गया सभी साथियों को यहां याद रखनी है बहुत अच्छी तैयारी अद्भुत भाई बहुत अच्छी तैयारी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से देखो सभी साथी बताना प्लाज्मा झिल्ली किसके द्वारा निर्मित होती है कमेंट बॉक्स में आंसर करनी है सभी साथियों को बता दीजिए प्लाज्मा झिल्ली किसके द्वारा निर्मित होती है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या है सभी साथी ध्यान देना ठीक है बहुत खूब वेरी नाइस देखना अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा प्लाज्मा झिल्ली किसके द्वारा निर्मित होते हैं तो भाई देखो सभी साथी क्या आंसर आएगा बहुत अच्छी तैयारी यहां पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो ना साथियों आप यहां। देखो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो ऑल ऑफ द तो बिल्कुल करेक्ट है प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा बिल्कुल करेक्ट आ गया साथियों बहुत अच्छी तैयारी आप सभी साथियों को यहां याद रखनी है कि प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा उपरोक्त से भी करेक्ट आ गया ऑल ऑफ ए आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है बताए इनमें से कौन सी बीमारी है जो वायरस के कारण होती है ध्यान से देखिए यानी के कारण होती है फटाफट फड़ से कमेंट करिए आप लोग सहयोग करिए साथियों साथियों देखो केवल एक लाइक करना होता है आपको वो तो कर दीजिए कम से कम उतना तो आप करिए ठीक है और अगर कोई भी साथी क्लास में पहली बार आ जाए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना जो हमारे द्वारा ई बुक मैंने आपके लिए बनवाए हैं पांच ई बुक वो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है पांचों ई बुक एक साथ ऐड कर दिए हैं क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए छोटा सा केवल उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक है सबसे पहले उस लिंक पे क्लिक करके पांचवी बुक आप लोग डाउनलोड कर लीजिए देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है पोलियोलाइटिस करेक्ट है याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है तो साथियों पोलियो मेलाइटिस यहाँ आपका राइट आ गया अद्भुत तैयारी साथियों बहुत अच्छी तैयारी पोलियो मेलाइटिस यहाँ आपका करेक्ट है सभी याद रखेंगे आगे देखो भाई देखना इलापी देखो इलापी डाई नाजा किसका वैज्ञानिक नाम है कमेंट करिए फटाफट से इलाई नाजा किसका वैज्ञानिक नाम है ऐसे चुटकियों में आंसर आना चाहिए सभी साथी कमेंट करेंगे बताइए इलापी डाई नाजा किसका वैज्ञानिक नाम है कमेंट बॉक्स में आंसर करनी है कोबरा का कोबरा सांप देखो एकमात्र सांप होता है जो घोसला बनाता है घोसला बनाने वाला एकमात्र सांप है ये याद रखना ठीक है तो कोबरा आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया सभी साथी जरूर याद रखेंगे ठीक है बहुत खूब सभी साथी यहाँ याद रखना बिल्कुल कोबरा करेक्ट है साथियों अद्भुत तैयारी बहुत अच्छी तैयारी वेरी गुड चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो सभी साथी ध्यान से देखना साथियों बताना निम्नलिखित में से क्या पहले विश्व युद्ध में रासायनिक के रूप में उपयोग किया गया था साथियों रासायनिक हथियार के रूप में पहले विश्व युद्ध में इनमें

क्या आंसर आएगा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कोशिश सभी साथी करिए राइट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए जल्दी जल्दी जितना जल्दी आंसर बताओगे उतना जल्दी अगली क्वेश्चन लेकर आएंगे तो साथियों देखो निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक पर्यावरण के भाग के रूप में नहीं माना जाता है किसको नहीं माना जाता है तो जरूर आपको याद रखनी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण के भाग के रूप में नहीं माना जाता है पादप को क्योंकि पादप में तो जीवन होता है ना साथियों पेड़ पौधों में बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आएगा बाकी ये सभी अजीब है ठीक है पादप जो है इसमें जीव होता है यह अजीब नहीं है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है याद रखना आगे देखो आधुनिक में रेखाओं को क्या कहते हैं साथियों जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है है आधुनिक आवर्त सारणी ठीक ही कुमारी जी जितना क्वेश्चन डेली कराते हैं उतने ही क्वेश्चन है यार सेवनटी क्वेश्चन है टोटल देखो आधुनिक आवर्त सारणी में उद्धाधर या उध्वाधर रेखाओं को क्या कहा जाता है ध्यान देना सभी साथी क्या आंसर आएगा चलो फटाफट से कमेंट कर दीजिए सभी साथी क्या आंसर आएगा बिल्कुल करेक्ट है ग्रुप्स यानी समूह कहा जाता है भाई ठीक है जरूर याद रखना सभी साथी समूह कहा जाता है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ गया वेरी नाइस सभी साथियों को याद रखनी है ठीक है अच्छी तैयारी साथियों बहुत अच्छी तैयारी जरूर आपको यहां याद रखनी है आगे देखो देखना स्प्ले किसका एक अयस्क अथवा खनिज है

ध्यान देना सभी साथी निम्नलिखित में से क्या ध्वनि की पिच निर्धारित करता है भाई तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जिसको आप बोलते हो साथियों सुमित यदिवंशी जी हरियाणा बिल्कुल राहुल बिहारी बालक सुधांशु सु, हमीद मंसूरी मुन्ना पंडित अजीत कुमार विजय यादव करेक्ट आ गया सभी साथियों को याद रखनी है ठीक है बिल्कुल फ्रीक्वेंसी करेक्ट है आवृत्ति आगे देखो विटामिन बी सिक्स को क्या कहा जाता है यानी क्वेश्चन बोलता है विटामिन बी सिक्स का केमिकल नेम क्या है रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी सिक्स का तब बता दो सभी साथी चलिए जल्दी जल जल्दी विटामिन बी सिक्स का केमिकल नेम क्या होता है रासायनिक नाम ऑफ विटामिन सी देख देखो केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी क्या आंसर आ जाएगा पारिडोक्सिन करेक्ट आ गया साथियों देखो नियासिन ये विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है टेकोफेरल तो विटामिन ई e का रासायनिक नाम है

सभी साथी कमेंट कर दीजिए अब क्या आंसर आ जाएगा टूट पड़िए क्वेश्चनों पे दिखा दीजिए अपना जलवा साथियों चलिए जलवा दिखाइए सभी क्या आंसर आएगा फटाफट -पड़ से कमेंट करेंगे बताइए देखना तो अंतरिक्ष शिल्प में ईंधन को ठंडा करने के लिए या ईंधन को ठंडा होने से रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है तो ग्लाइकॉल बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहां आपका करेक्ट आ गया ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं भाई ईंधन को ठंडा होने से रोकने के लिए जरूर आपको याद रखनी है ठीक है ग्लाइकोल आपका राइट आ गया साथियों तो अच्छी तैयारी बहुत अच्छी तैयारी वेरी गुड आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो पौधों को मुख्य रूप से अपने तत्व किससे प्राप्त होते हैं बताइए क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर चौतीस का आंसर क्या है पौधों को मुख्य रूप से अपने पोषक तत्व किससे प्राप्त होते हैं ध्यान से देखो सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इंदिरा मीना सोनी यादव हरीश चंद्रा सभी कमेंट करेंगे पिंटू कुमार गणेश सोने ने मुकेश सोनल श्रीवास्तव देखो पौधों पौधों को मुख्य रूप से अपने पोषक तत्व किससे प्राप्त होते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सभी साथी ध्यान देना क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए तो सभी साथी जरूर यहाँ याद रखेंगे साथियों क्या आंसर आएगा भाई मिट्टी से सोल से बिल्कुल करेक्ट है सभी साथियों को यहाँ याद रखनी है भाई ओके बहुत अच्छी तैयारी साथियों वेरी नाइस सभी साथी, nice, साथी यहाँ याद रखना ठीक है बिल्कुल करेक्ट आ गया यहाँ आप सभी साथियों को याद रखनी है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जरूर याद रखना ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सभी साथी देखिए साथियों ध्यान देना सूर्य के प्रकाश के सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग का उपयोग कर प्रकाश प्रकाशन कुछ किसके द्वारा किया जाता है आप ध्यान देना इस क्वेश्चन के लिए राइट right आंसर क्या है फटाफट से सभी साथी कमेंट करेंगे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है देखो सभी साथी बहुत ही प्यारा है ध्यान देना सभी साथी क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ठीक है ध्यान देना जीवाणु जीवाणु यानी बैक्टीरिया आपका करेक्ट आएगा सूर्य के प्रकाश सं। के अदृश्य भाग का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण जीवाणु के द्वारा किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा बैक्टीरिया के द्वारा जीवाणु के द्वारा सभी साथियों को याद रखनी है बहुत अच्छी तैयारी अद्भुत तैयारी आगे निम्नलिखित में से क्या उषमा शोषी प्रतिक्रिया है बताना इनमें से एक उषमा शोषी प्रतिक्रिया है सभी साथी ध्यान देना ठीक है ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा से देखो निम्नलिखित में से, क्या से, है? से देखना आप क्या सोसी का एक उदाहरण आपसे पूछा है भाई तो बता देना इनमें से कौन सा उषमा शोषी अभिक्रिया या उष्मा शोषी प्रतिक्रिया का उदाहरण है तो ध्यान देना सभी साथी क्या आंसर आएगा साथियों स्वीटिंग देखो पसीना आना साथियों स्वीटिंग जिसको आप बोलते हैं पसीना आना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ गया निम्नलिखित में से क्या ऊष्मा सोसी प्रतिक्रिया का उदाहरण है तो बिल्कुल पसीना आना राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी जरूर सभी साथियों को याद रखनी है क्या बात है वेरी गुड ये हुई ना बात अद्भुत तैयारी बहुत खूब वेरी नाइस आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो दूध प्रोटीन निम्न एंजाइम में से किसके द्वारा पाया जाता है बताना दूध में जो प्रोटीन है साथियों वह निम्न

दूध में जो प्रोटीन होता है वह निम्न में से किस एंजाइम के द्वारा जाता है? तो है। तो रेनिन के द्वारा। आपको ये याद रखनी आगे देखो देखो एक बायोटेक्निकल जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है अल्ट्रासोनिक ध्वनि यानी जिस बोलते हैं पराबैगनिक, देखो परा बिल्कुल बोल सकते हो आप ठीक है अल्ट्रासोनिक ध्वनि जो होती है साथियों पराबिग्नी माप करना यार परासव ध्वनि ठीक है जिसको इंसान नहीं सुन सकता है जिसकी आवृत्ति होती है बीस हर्ज से लेकर बीस हजार माप करना बीस हजार हर्ज से अधिक ठीक है बीस हजार हर्ज से अधिक जिसकी आवृत्ति होती है वो अल्ट्रासोनिक ध्वनि होती है इसको कौन सुन सकता है भाई तो चमगादड़ सुन सकता है डॉल्फिन वगैरह सुन सकता है ठीक है और देखो अल्ट्रा जो सोनोग्राफी की जाती है ना साथियों उसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है बिल्कुल सोनोग्राफी में तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट करेक्ट आएगा जब डॉक्टर बोलता है भाई सोनोग्राफी सोनोग्राफी करा करा के लाओ कब की जाती है जब हमारे पूरे बॉडी का फोटो लेना होता है ना तब याद रखना आगे देखो देखो निम्नलिखित में से किस एक की अत्यधिक वृद्धि से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के संकट मिलते हैं बताइए इनमें से किसकी अत्यधिक वृद्धि से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं कमेंट करेंगे सभी क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर क्या जाएगा सभी साथी ध्यान देना भाई क्या आंसर आएगा चलो फटाफट कमेंट करिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा ठीक है ध्यान देना सभी साथियों क्या आंसर आएगा फटाफट से बहुत अच्छी तैयारी तो देखना इस क्वेश्चन का अब करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपको यहां याद रखनी है साथियों क्या आंसर आएगा बिल्कुल वेरी नाइस लाइक बता रहे हो ना साथियों लाइकेंस करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा ठीक है बी राइट आंसर आ गया प्रिंस वेलिया नीलू कुमारी ज्योतिष राज सीता कुशवाहा अशोक कुमार मीना करेक्ट आ गया लाइकेंस अच्छा साथियों आप लोग यार क्लास को लाइक like कर दीजिए ठीक है देखो एक सेकंड का भी समय नहीं लगता है केवल थम बटन पे क्लिक करना है और थोड़ा सहयोग तो आपको करना ही है चलिए सभी साथी लाइक कर दीजिए और अगर कोई भी साथी क्लास में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना आगे देखो इलेमे नाइट किसका आयस खनिज होता है बताइए किसका आयस किया खनिज है कमेंट करना क्वेश्चन चालीस का आंसर किया जाएगा चलो ध्यान से देखिए एलमेनाइट किसका आयस कथवा खनिज है चुटकियों में कमेंट करिए सभी का आंसर यहाँ आना चाहिए ऋषभ श्रीवास्तव जी बिल्कुल आ रही है सत्यजीत गणेश सभी का आंसर आना चाहिए सुनील कुमार राधिका कपिल देखो भाई टाइटेनियम का टाइटेनियम जिसको फ्यूचर्स मेटल कहा जाता है यानी भविष्य का धातु कहा जाता है तो यहाँ भी आपका टाइटेनियम ही करेक्ट आएगा याद रखना इलेमिनाइट किसका खनिज है तो बिल्कुल टाइटेनियम का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया चलो आगे देखो साथियों टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है साइंटिफिक देखो ये साथियों ध्यान से आपको देखना है पेंथरा टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है तो याद रखना टाइगर का देखो बाघ का ठीक है सभी साथी याद रखना बिल्कुल साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर क्या आएगा पेंथरा टिग्रिस यहाँ आप सभी साथियों को याद रखनी है काफी साथियों का बिल्कुल करेक्ट आ गया बहुत अच्छी तैयारी यार छा गए हो सभी बस एग्जाम के डेट्स आने दीजिए उसके बाद बिल्कुल धुआं धुआं होगा ना एग्जाम सेंटर में होने भी चाहिए ठीक है समीर कुमार जी चलो आगे देखते हैं अब अगले क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना देखो जर्क की भौतिक इकाई क्या होती है भाई बताइए जर्क की भौतिक इकाई क्या है ध्यान देना सभी बताइए देवी दयाल दे, देवी दयाल जी बिहार सैनी भानु प्रताप विजेंद्र कुमार राइटर जतिन त्यागी जी हरीश चंद्रा देखना क्या आंसर आएगा जर्क की भौतिक इकाई क्या होती है भाई तो याद आपको रखनी है देखो मीटर पर सेकंड घन यानी मीटर पर सेकंड घन याद रखना बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा देखो नहीं पता था तो जर्क की भौतिक इकाई क्या होती है मीटर पर सेकंड घन याद रखना देखो मीटर पर सेकंड घन याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया यहां आगे देखिए देखो निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा एक अधिस मात्रा है यानी इनमें से कौन सी एक अधिस राशि है

Youngs, modules, ये जो है अधिसी है सभी याद रखना बाकी देखो वेट आवेग और त्वरण ये सभी तो राशियां हैं आपको पता है आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य जल जलकुंभी के रूप में भी जाना जाता है बताइए इनमें से कौन सा सामान्य जल कुंभी इनमें से कौन सा सामान्य जल जल कुंभी के रूप में भी जाना जाता है तो ध्यान से देखिए अब क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए सभी साथी ध्यान देना बहुत खूब बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी साथियों नागफनी बता रहे हो ना बिल्कुल करेक्ट है आप बोलोगे सर नागफनी क्या है तो ये एक पौधा है भाई नागफनी पौधा केकटस का नाम सुना है ना केकटस जो रेगिस्तान में उगते हैं नागफनी पौधा होता है ये केकटस याद रखना सभी साथी ठीक है बिल्कुल सभी साथी याद रखना केकटस टाइप का ये नागफनी पौधा होता है जो रेगिस्तानों में पाया जाता है ठीक है याद रखनी है आपको जलकुंभी के नाम से भी इसको जाना जाता है आगे देखिए सभी साथी ध्यान देना यार माफ करना यार यहां पर गलत आंसर आप लोग आप लोग के चक्कर में यार गलत बता दिए ये नहीं आएगा यार करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी माफी चाहता हूं यार देखो गलत आंसर था नागफनी गलत आंसर है वो तो केक्टस है ना वो तो रेगिस्तानी पौधा है जलकुंभी के रूप में अर्थोनिया को जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ठीक है

सोना गुप्ता निभा त्रिवेदी राधिका चौहान सुंदरलाल निषाद कमेंट करिए विजेंद्र सिंह आगरा क्या आंसर आएगा साथियों तो देखना हृदय के लिए पेसमेकर में किस रेडियो धर्मी तत्वों का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ प्लूटोनियम बता रहे हो ना साथियों आप क्वेश्चन नंबर छियालीस में प्लूटोनियम आपका करेक्ट है भाई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा देखो सभी ठीक है बहुत अच्छी तैयारी सभी को यहां याद रखनी है साथियों क्या आंसर आएगा बिल्कुल करेक्ट आएगा प्लूटोनियम ठीक है वेरी नाइस सभी को यहाँ याद रखनी ही है भाई चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सभी साथी ध्यान देना साथियों त्वचा में स्वेत ग्रंथिया कहाँ पर उपस्थित देखो त्वचा में स्वेद ग्रंथियों की उपस्थिति किसकी एक अद्वितीय विशेषता है बताना ये ये जो श्वेत ग्रंथी है ना साथियों ये कहाँ पर किसमें उपस्थित होती है देखो श्वेत ग्रंथी जो होती है बॉडी को टेम्परेचर को नियंत्रित करती है ये जो श्वेत ग्रंथी है ना यहीं से पसीना आता है के कारण गर्मियों के दिनों में पसीना निकलता है ना तो यह पसीना भी यहीं से निकलती है श्वेत ग्रंथि से और यह हम स्तनधारियों में पाया जाता है में में याद रखना स्तनधारियों तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहां आपका करेक्ट आ गया सभी साथियों को याद रखनी है बहुत अच्छी तैयारी साथियों बिल्कुल करेक्ट है स्तनधारियों में सभी को याद रखनी है ठीक है आगे देखते हैं अब अगले क्वेश्चन क्या है ध्यान देना सभी प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है बताइए प्रकाश का रंग का संबंध किससे होता है ध्यान से अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं तो आप लोग सपोर्ट करिए साथियों साथियों थोड़ा सहयोग सा करिए आप लोग ठीक है वो तो कर ही सकते हैं ना आप लोग लाइक कर दीजिए यार क्लास को और शेयर कर सकते हैं तो जरूर करिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना जितने साथी नए हैं ठीक है देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा प्रकाश का रंग किससे संबंधित है तो उसके तरंग देर से वेवलेंथ करेक्ट आएगा तरंग देर करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर याद आपको रखनी है प्रकाश किससे संबंधित होता है था भाई तो उसके तरंगधेर से ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आ गया अद्भुत तैयारी वेरी गुड बिल्कुल आगे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से तो साथियों बताना संपर्क लेंस किससे बने होते हैं बताइए जो संपर्क लेंस होते हैं

बिल्कुल संजय जी नीलू कुमारी दीपक वांजरा राहुल यादव बिजेंदर ईश्वर मंडी करेक्ट आ गया आगे देखो देखो कौन सी दवा एंटी डिप्रेसेंट के रूप में उपयोग की जाती है साथियों क्वेश्चन नंबर पचास सालू गुप्ता माया माया छोटे लाल कमेंट करिए देखो कौन सी दवा एंटी डिप्रेसेंट के रूप में उपयोग की जाती है इस क्वेश्चन के लिए अब राइट आंसर क्या आ जाएगा ध्यान से देखिए सभी साथी क्या आंसर आ जाएगा भाई बहुत अच्छी तैयारी साथियों कोशिश करिए आंसर करने का तो देखो कौन सी दवा एंटी डिप्रेसेंट के रूप में उपयोग की जाती है तो यहां आपको याद रखनी है देखो ऑप्शन नंबर डी बुप्रोपियोन करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखना ठीक है वेरी नाइस साथियों राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी यहां आप जरूर याद रखना भूप्रोपियोन करेक्ट है आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या रक्त के संचलन में मदद करता है बताइए निम्नलिखित में से क्या रक्त के संचलन में मदद करता है भाई ध्यान देना साथियों क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन का आंसर क्या आएगा बताइए निम्नलिखित में से क्या रक्त के संचलन में मदद करता है चलो फटाफट से आंसर करनी है सभी साथियों को बताइए निम्नलिखित में से क्या रक्त के संचलन में मदद करता है ध्यान से देखना क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन बहुत अच्छी तैयारी साथियों देखो यहां लिम्फोसाइट बता रहे हो ना आप सभी अगर लिम्फोसाइट बता रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट है लिम्फोसाइट्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ गया निम्नलिखित में से क्या रक्त के संचलन में मदद करता है या कौन है जो रक्त के संचलन में मदद करता है तो यहाँ आपको जरूर याद रखनी है साथियों लिम्फोसाइट्स करेक्ट आ गया सभी को याद रखनी है ठीक है आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो सभी साथी ध्यान से देखो स्क्रीन पर साथियों बताइए किस स्तर पर देखो डेसिबल में बताना है किस स्तर पर किस स्तर के ऊपर की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण मानी जाती है ध्यान देना अब क्वेश्चन नंबर का आंसर किया जाएगा चलो कोशिश करेंगे सभी अब आंसर करिए किस स्तर के ऊपर के ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण माने जाते हैं और आपको यह डेसीबल में बतानी है तो याद आपको रखनी है बीवीआई क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना अस्सी डेसी के ऊपर के ठीक है अस्सी डेसी की ऊपर के ध्वनि को खतरनाक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा याद रखिए सभी साथी आगे देखो देखो साथियों हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है बताइए हरित क्रांति जनक कौन है पूरे विश्व स्तर पर है? भारत में नहीं अगर भारत में पूछता तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी आता लेकिन यहां हरित क्रांति का जनक केवल पूछा है यानी पूरे विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किसने करी थी साथियों बताना क्या आंसर आएगा तो देखो सभी साथी हरित क्रांति की शुरुआत किसने करी थी डॉक्टर नॉर्मन ई ई ने याद रखना तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेक्ट आएगा डॉक्टर एन आ गया भाई वेरी गुड जी डेली यार सवेरे से लेकर रात तक तो लाइव ही चलती है क्लासेस सबसे पहली क्लास सवेरे आठ बजे इसके बाद लगेगी कल सुबह तैयार रहना सभी आगे देखो भाई देखो चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती है साथियों बताना जो स्किन होती है ना त्वचा चेहरा में चेहरा में चेहरा में ठीक है फेस पर चेहरा में कितनी हड्डियां होती है ध्यान देना चलो सभी का आंसर आना चाहिए ध्यान से देखिए चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा चौदह बता रहे हो फोर्टीन जो कि बिल्कुल आपका राइट right आंसर है साथियों ठीक है फोर्टीन याद रखना है चौदह बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती है भाई तो फोर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसकी सबसे लंबी तरंग देर होती है बताइए सभी साथी ध्यान देना निम्नलिखित में से किसकी सबसे लंबी तरंग देर होती है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किया जाएगा फटाफट से कमेंट करिए सभी साथी बताइए निम्नलिखित में से किसकी सबसे लंबी तरंग देर होती है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किया जाएगा तो देखना निम्नलिखित में से किसकी सबसे लंबी तरंग देर होती है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा फटाफट से ध्यान दीजिए निम्नलिखित में से किसकी सबसे लंबी तरंग देर होती है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा साथियों याद रखना सभी साथी रेडियो तरंग की रेडियो वेव्स यहाँ आपका करेक्ट आ गया सभी साथी याद रखना रेडियो तरंगों की यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया भाई रेडियो वेव्स याद आपको रखनी है यहाँ वेरी गुड बहुत अच्छी तैयारी साथियों अद्भुत तैयारी चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है टेलीविजन की खोज किसने की थी बताइए टेलीविजन का आविष्कार या टेलीविजन की खोज किसने करी थी बताइए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या आएगा दुर्गेश विजय साक्षी राहुल एडवोकेट रुक्सार खान रामचंद्र कुमार पूनम सोनी यादव कमेंट करिए साथियों टेलीविजन की खोज किसने करी थी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बताइए तो साथियों देखना टेलीविजन की खोज किसने करी थी तो याद आपको रखनी है जेएल बेर्ड ने जेएल बेर्ड यहां आपका करेक्ट आएगा जेएल बेर्ड ने याद रखना Very, very जे एल बी एड यहाँ आपका करेक्ट आ गया वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ने आगे देखो भाई एक उबले हुए अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है बताइए एक उबले हुए अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है क्वेश्चन है सभी साथी ध्यान देना बताइए एक उबले हुए अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा फटाफट से कमेंट कर दीजिए बताइए एक उबले हुए अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान देना सभी देखना तो एक उबले हुए अंडे से 77 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है सेवेंटी सेवन यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया जरूर सभी साथी याद रखिए। एक उबले हुए अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है भाई तो 77 कैलोरी यहाँ आप सभी साथी याद रखेंगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगे देखिए ध्यान से साथियों बताना अपने चश्मे के बिना अखबार पढ़ने में असमर्थ है एक व्यक्ति है जो बिना चश्मे के अखबार को नहीं पढ़ सकता है तो शायद वह सबसे ज्यादा पीड़ित है इनमें से किस दोष से बताना सबसे अधिक संभावना किस बात की है कि वह व्यक्ति इनमें से किस रोग से पीड़ित होगा जो अपने चश्मे के बिना अखबार को नहीं पढ़ पाता है ध्यान देना जरा दूरदृष्टि प्रेस बायोपिया जिसको आप बोलते हैं तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ गया साथियों जरा दूरदृष्टिता वेरी गुड बिल्कुल करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर बी ठीक है एक व्यक्ति जो बिना चश्मे के अखबार को नहीं पढ़ सकता है वह सबसे ज्यादा पीड़ित होगा प्रेस बायोपिया से यानी जरा दूरदृष्टिता प्लग में सबसे लंबा पिन किससे जुड़ा होना चाहिए बताइए एक तीन पिन वाली प्लग में सबसे लंबा पिन जो है वो किससे जुड़ा होना चाहिए साथियों हो. फटाफट से कमेंट करेंगे सभी साथी बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए मैक्सवेल अमन सौरभ पांडे शैलेंद्र संतोष माथुरी ध्यान से देखना शशिकांत कुमार बिल्कुल कुसुम सिंह अभय कुमार मैक्सवेल अमन बाजिया देखना भाई एक तीन पिन पिन वाले प्लग में सबसे लंबा जो है ना साथियों वो ग्राउंड टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए याद रखना ग्राउंड टर्मिनल से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा बिल्कुल ग्राउंड टर्मिनल से बहुत अच्छी तैयारी वेरी गुड बिल्कुल ग्राउंड टर्मिनल से जुड़ी होनी चाहिए यहाँ आप सभी साथियों को याद रखनी है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डायोड बल्ब की खोज किसने की खोज किसने करी थी साथियों ध्यान से देखना क्या फटाफट से सभी साथी कमेंट करिए भाई डायोड बल्ब की की खोज किसने थी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा ध्यान से देखो देखना यहां तो डायोड बल्ब की खोज किसने करी थी भाई ध्यान से देखना क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर साठ आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन के लिए तो याद रखना सर जे एस फ्लेमिंग ने सर जे एस फ्लेमिंग यहां आपका करेक्ट आ गया सभी साथियों को याद रखनी है ठीक है बहुत अच्छी तैयारी साथियों सभी को याद रखनी है यहाँ वेरी नाइस काफी साथियों का बिल्कुल करेक्ट आ गया सभी साथी यहाँ जरूर याद रखेंगे ठीक है आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो सभी साथी ध्यान देना स्क्रीन पर भाई देखो चीनी के किनवन से क्या प्राप्त होता है बताइए चीनी के किनवन से क्या प्राप्त होता है इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा सभी साथी ध्यान देना क्या आंसर है साथियों फटाफट से कमेंट करिए भाई बताना चीनी के किनवन से क्या प्राप्त होता है अब आप लोग लाइक कर दो साथियों क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है तो आप लोग सभी साथी अपना अपना प्यार दिखा दीजिए ठीक है और जितने साथी नए हैं आप लोग अगर डेली पढ़ाई करनी है एग्जाम निकालना है अगर ठान लिया है कि नहीं नौकरी चाहिए ही तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और देखो मैंने आप लोगों के लिए सुपर सीरीज देखो पांच जो है ई बुक आपके लिए बनवाए हैं मैथ रीजनिंग करंट अफेयर्स जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस का उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ई बुक एक साथ डाउनलोड हो जाएगी अभी तुरंत आपके फोन में जिसको आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं तो डाउनलोड कर लेना परचेस करा लेना ठीक है देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा एथिल एथिलेलकोहल ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आ गया इथाइल याथिलेल्कोहल या एथिल याद रखना चीनी के किनवन से प्राप्त होता है भाई आगे देखो इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है साथियों इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है यह आपको बतानी है सभी साथी कमेंट करिए इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है चलो चुटकियों में कमेंट करिए सभी साथी बताना इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो देखो इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है भाई नाइलॉन याद रखना सभी साथी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा नाइलॉन जो कि ठीक है जो कि प्राकृतिक बहुलक नहीं है ठीक है सोनपाल गुप्ता जी यार लिंक पर क्लिक करिए सारा सब कुछ डिटेल्स पता चल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक है जहां से लाइक करते हैं ना आप उसके थोड़ा सा ऊपर क्लिक करिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा वहां पर देखो लिंक होगा ठीक है नाइलॉन करेक्ट आएगा आगे देखिए नाइट्रोजन को किसने खोजा था नाइट्रोजन गैस की खोज किसने करी थी तो थी ये सभी साथी चलिए फटाफट से कमेंट कर दीजिए नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नाइट्रोजन की खोज की थी भाई। सभी साथी। ने गैस को, खोजा था। या आप सभी को याद रखनी है नहीं पता था तो आज के बाद याद अच्छा देखते है, से। प्याज है किसका? बताना प्याज किसका परिवर्तित रूप है भाई प्याज का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है प्याज किसका परिवर्तित रूप है इस क्वेश्चन के लिए आप करेक्ट आंसर क्या है ध्यान दीजिए सभी साथी तो देखना सभी प्याज किसका परिवर्तित रूप है ध्यान से सभी साथी याद रखना तने का स्टेम याद रखना तने भाग को हम खाते हैं भाई प्याज का ठीक है तो तना करेक्ट आ गया यहाँ सभी साथी याद रखना तने का तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट गया तने का प्याज किसका परिवर्तित रूप है तो तने का आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैथिल मैग्नेशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया से क्या प्राप्त होता है बताना मैथिल मैग्नेशियम ब्रोमाइड पर जब जल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होती है भाई ध्यान से देखो क्या आंसर आएगा विनय जायसवाल प्रियंका एके शर्मा संतोष माथुरी हरे राम राधिका चौहान नीतीश कुमार पिंटू आदित्य फिल्मी अर्थ कुंदन देखो क्या आंसर आएगा प्रज्ञा कुमारी नीरव ठीक है देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है तो मिथेन प्राप्त होती है मिथेन गैस जब वो मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की अभिक्रिया कराते हैं तो साथियों वहां पर मिथेन गैस प्राप्त होती है यहां आपको याद रखनी है भानु प्रताप जी बिल्कुल बोलबम हरीश ऋषभ काफी साथियों का करेक्ट है मिथेन याद रखनी है आपको आगे देखिए साथियों देखना प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है बताइए प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहां पर होता है क्वेश्चन नंबर छियासठ का आंसर किया जाएगा कोशिश करिए सभी साथी आंसर करने का भाई बताइए प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है साथियों ध्यान से देखिए क्या आंसर आएगा तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखना प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है कसेरुक रज्जु में यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया साथियों आप सभी साथियों को याद रखनी है कसेरुक रज्जु में ठीक है वेरी नाइस बहुत अच्छी तैयारी बहुत खूब ऑप्शन नंबर सी आपका यहां करेक्ट है तो सभी साथियों को याद रखनी ही है सेरुक राज्यों में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी याद रखिए आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों किस द्रव का घनत्व सबसे कम है बताइए सोना यादव जी केवल आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है इधर से कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल पानी की तरह क्लीन चल रही है देखो किस तरफ का घनत्व सबसे कम होता है इस क्वेश्चन का, तो का तो पेट्रोल तो का नहीं पता था तो जरूर याद रखना आज के बाद ठीक है कि किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है तो भाई पेट्रोल का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी आगे देखो देखो उष्मा पदार्थों की उष्मा चालकता कितनी होती है

मिश्रित करके भाई बिल्कुल करेक्ट आ गया यहाँ ऑप्शन नंबर सी सभी साथी याद रखना ठीक है बहुत अच्छी तैयारी वेरी वेरी गुड साथियों बहुत खूब नाइस अभिषेक कुमार जी कल बता देंगे यार माइंड में नहीं आ रहा है अभिषेक जी कल बता देंगे ठीक है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना सभी क्वेश्चन नंबर सत्तर साथियों अंतिम क्वेश्चन है क्लास का इसके बाद अगली क्लास देख रहे हो ना नेक्स्ट क्लास का सवेरे आठ बजे लगेगी आप लोग तैयार है ना मॉर्निंग में आठ बजे पहली क्लास है आपका तो सभी साथी तैयार रहेंगे सवेरे आठ बजे जो करंट अफेयर्स का पहला क्लास कराते हैं डेली सवेरे आठ बजे ठीक है तो तैयार रहना सभी नेक्स्ट क्लास मॉर्निंग में आठ बजे है देखो नाभिक का आकार क्या होता है आप लोग अभी क्या करोगे क्या तो सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना जहां से वीडियो को आप लाइक करते हो ना उसके थोड़ा सा ऊपर क्लिक करोगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा देखना वहां पर लिखा होगा हमारी ई बुक खरीदे पांच ई बुक एक साथ तो वहां पर क्लिक करना और उसको डाउनलोड कर लेना तुरंत अभी डाउनलोड हो जाएगी छोटा सा केवल पेमेंट करना पड़ता है फोन पे गूगल पे पेटीएम भीमी पी आई अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कहीं से भी पेमेंट करके आप डाउनलोड कर सकते हो छोटा सा केवल पेमेंट करना पड़ता है आप लोग कर लेना ठीक है पांच ई बुक है पांच अलग अलग ई बुक है जिसको एक साथ एड कर दिए हैं मैथ रीजनिंग करेंट अफेयर्स जनरल साइंस और जनरल अवेरनेस का तुरंत अभी डाउनलोड हो जाएगी डाउनलोड कर लीजिए देखो दस का पावर माइनस पंद्रह मीटर ये नाभिक का आकार होता है याद रखना ठीक है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है सभी साथी याद रखेंगे शायद 151 का प्राइस है साथियों 150 का प्राइस है ठीक है पांचों ही बुक के लिए ठीक है तो आप लोग सभी परचेस कर लेना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक डाउनलोड कर लेना सभी नाभिक का आकार साथियों क्या होता है भाई 10 का पावर माइनस फिफ्टीन मीटर यहाँ आपको याद रखनी है लव यू सभी को विजय यादव जी कल से यार टू के लिए कल से वीडियो वहां पर टीचर से एक दो देख रहे हैं ठीक है क्योंकि अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं और वहां पर भी अब क्लासेस होगी एक्समार्ट स्टडी टू में जो ऑफलाइन वीडियो होती थी वहां पर ठीक है बिल्कुल तो सभी अब लाइक कर दीजिए साथियों शेयर कर दीजिए जितने साथी क्लास में नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लेना पड़ता है, है, है आज ही से उसको डाले हैं तो आप लोग डाउनलोड करके पढ़िए आप सभी ठीक है नाविक का आकार टेन का पावर माइनस फिफ्टीन मीटर जरूर याद रखनी है लव यू सभी को टेक केयर गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स कल सवेरे मिलते हैं आठ बजे पाला क्लास है करेंट अफेयर्स का अपने अपने दोस्तों को भी लेकर आइए क्लास में आप लोग ठीक है अभी अगर कोई भी साथी नए थे क्लास में तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना भाई ठीक है प्रदीप सालू, पूजा भावना सभी का शशिकांत यादव मोहम्मद शाहरुख विपिन कुमार विजेंद्र सिंह ब्रिजेश प्रज्ञा कुमारी लवली कुमार विजय यादव ठीक है सालू गुप्ता पूजा मौर्या रंजीत कुमार महतो सुरेंद्र प्रज्ञा ए के शर्मा बोलबम खुशबू सोना गुप्ता अर्जुन लवकुश यादव मिर्जापुर सुनील कुमार यादव रचना सिंह राजपूत जी थैंक सलॉट बिल्कुल गुड नाइट टेक केयर रचना सिंह राजपूत जी कृष्णा सुनील कुमार सुंदरलाल निषाद आफरीन सोना गुप्ता जी बिल्कुल गुड नाइट सभी को ठीक है चले तो टेक केयर साथियों रंजन विवेक आफरीन खान सिमी बबलू प्रज्ञा ऋषभ कृष्णा वारखने आफरीन खान जी सभी का शुक्रिया बिपिन कुमार मंटू कुमार जितेंद्र चलिए साथियों गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर साथियों रेस्ट करिए आप सो जाइए और मुझे भी रेस्ट करने दीजिए ठीक है प्रज्ञा आर्यन सवेरे आठ बजे क्लास है करेंट अफेयर्स का सवेरे आठ बजे तैयार रहना आप सभी साथी ठीक है तब तक के लिए टेक केयर साथियों लव यू सभी को जय हिंद